वेलकम टू द डागर फैमिली। आज सर्दी बहुत है, हमने सारा का सारा जो है वो गेट वगैरह क्लोज कर रखी हैं और बच्चों को फिर अंदर ही बिठा रखा है ताकि घर से बाहर कोई ना निकले। अब इनकी मतलब इनको ऑनलाइन क्लासेस जो इनकी चल रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो इनका कम हो, तो इनके लिए एक गेम सोचा है हमने। और वो गेम कैसे कैसे होता है आगे हम दिखाते हैं आपको। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, तो आज हम दोनों बच्चों के बस उनका सेंसेस का ही टेस्ट लेंगे। ये देखो, ये मेरे दोनों बच्चे, ये हमारे दोनों बच्चे तैयार हैं। अब इनका गेम शुरू होगा। सारे गेम के 3-3 राउंड्स होंगे। आप ये बच्चे देखते हैं कौन जीतता है। जो जीत गया वो दूसरे को सेम जैसे पहले वीडियो में पनिशमेंट दी थी वैसे ही वो उसको पनिशमेंट देगा। जी बच्चों, गेम खेलोगे? हाँ। क्या गेम है, समझ में आ गया? सेंसेस टेस्ट। ठीक है, और फिर मतलब मैं तुम्हें सेंस करवा दूंगी। हाँ। और फिर तुम अपना अपना टाइम ले लेना और फिर मैं 1-2-3 काउंट करूंगी और उस पे जिसने पहले सही जवाब दिया उसका 1 पॉइंट जुड़ेगा। तो मतलब मैं जीत जाऊंगा? ठीक है, मतलब तू कैसे जीत जाएगा, तुझे पहले ही पता है कि तू जीत जाएगा। ठीक है, पहला टेस्ट तुम बताओ किस चीज का करोगे। पहला टेस्ट साउंड नोज टेस्ट मतलब स्मेल। ठीक है, टेस्ट ऑफ स्मेल। तो अभी मैं कुछ लेके आती हूँ जिससे मैं तुम्हारी आईज क्लोज कर दूंगी। ठीक है, और भी आईज क्लोज रखनी है तुम्हें, ओपन नहीं करनी है, है। सब में ही सारे टेस्ट हो जाएंगे तब ओपन करनी है। ठीक है, तो मैं अभी जा रही हूँ। अब देखिए दोस्तों, इनकी आईज मैंने क्लोज कर दी है अच्छी तरह से। कुछ दिख रहा है भाई? नहीं। प्रॉमिस? पूछ लो, गिनती पूछ लो। हाँ बताओ, मैंने फिंगर्स कर रखी, कितनी फिंगर्स हैं? 3 हाँ, अब तो मेरा हाथ क्यों टच कर रहे हो? 3 बताओ। 5 हाँ, तेरा तो गैस भी ठीक गया है, मतलब तू विनर होगी। मेरा? हाँ, अब बताओ कितनी फिंगर्स हैं? 1 2 2 अब इशू का गैस ठीक गया है। चलो, मतलब इसका मतलब ये है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये दोस्तों मैंने स्मेल के लिए ये 3 चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। अब मैं तीनों चीज़ें इन दोनों बंदरों को एक एक करके स्मेल करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आशी टच नहीं करना है। आप ईशु टच नहीं करना है। आप रुको भाई, रुको। अब बोला नहीं है। अब ये देखो दोस्तों, ये चीज़ थी ये। अब ये देखते हैं ये दोनों बच्चे सही बताते हैं या गलत बताते हैं। 1 2 3 मूव आईज ओपन नहीं करनी है। ठीक है, अब बाद में इस राउंड के एंड में जब तुम्हारे आईज ओपन करोगे, जब दिखाऊंगी तुम्हें क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, अब हमारा सेकेंड राउंड। बता देना, मेरे को बता देना। अब देखिए दोस्तों, ये है ये। ओके, एंड नाउ स्मेल। आगे नहीं आना है, आगे नहीं आना है, आगे नहीं आना है। इशू अंदर तक मेरी सारी हो चुकी है, हो चुकी है स्मेल। चीज थी ये, आपको मैं फिर दिखा देती हूँ। ये कर दी मैंने क्लोज। अब 1 2 3 बजाज बजाज कोल्ड वाला। कोल्ड वाला, ये कोई कोल्ड बोल रही है। चलो चलो, अब ये है ये दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको
स्मेल करवाती हूँ। चल स्मेल करो। कराओ तो। ये क्या था? मतलब स्मेल तो कुछ तो आई है। नहीं आई। नहीं नहीं कुछ तो आई है। चीटिंग। आगे नहीं आना है। आगे नहीं आना है। आगे नहीं आना है। क्या है? मतलब स्मेल इसको भी आ गई है। करो स्टार्ट। आप देखो दोस्तों चीज थी ये। आप 1, 2 and 3 ऑर्डर 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 है पॉन्स पाउडर। चलो भाई अब देखो दोस्तों ये चीजें थी। अब बताओ किसकी क्या ठीक थी। मतलब 2 पॉइंट और 2 पॉइंट हो गया मैच। अब हो गया है टाइम। अब तुम्हारा चैलेंज है टेस्टिंग का। ठीक है ठीक है। अब मैंने ये तीन चीजें जो है 1, 2 and 3 ये तीन चीजें मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके रख दी है। अब मैं इनको खिलाऊंगी और फिर देखते हैं ये बताते हैं या नहीं बताते। हम खा लेंगे। चलो हाथ करो। हाथ करो अपना अपना। नहीं तुम्हें टच करने से भी तो पता चल जाएगी। नहीं 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 मैं मुंह दूंगी। कोई गलत चीज थोड़ी है। सच में मम्मी। चलो और ये मैंने खिला दिया है। और ये है ये। वन टू एंड थ्री। चलो भाई अब नेक्स्ट ये। अच्छा ये तो खत्म बंदा। चलो गंदा था। नहीं ठीक था लेकिन तू कौन। नहीं बढ़िया है। बढ़िया है। रुक जाओ। खत्म नहीं हो रहा। ये क्या बीच में योगा करने लग गया। ओके आ ओपन ये और ये। अब बताना है ये थे ये। आप 1, 2 and 3 खजूर। अब नेक्स्ट राउंड हो गया। खजूर फिनिश। लो मजा आया मजा आया मजा आया। हो गया फिनिश। हो गया 1, 2 and 3 मूली। मैंने बोला नहीं। मैंने बोला था। अरे तो मैं जल्दी बोलने गया था क्या। हाँ भूल गया सॉरी। नहीं मेरा फोन टूट गया। चलो अब ये भी। यार ये चीटिंग है। खोल ले आंखें खोलो देखो। मेरा दिन बंद है। तो इन्होंने टेस्टिंग का तो बिल्कुल बढ़िया करा है। ए यार अब इसके दो और तेरे तीन मतलब 5 तेरे 4 इसके। फिर हारता जा रहा है। अरे मैं सोच रहा था कि मतलब जल्दी बोलना है क्या। मैं सोचा जल्दी बोलना क्या करना है। तो पहले ही कहा था जल्दी बोलना है। मैं भूल गया था वो चीज। ठीक है अब नेक्स्ट राउंड के लिए सामान मैं लेके आती हूँ। ठीक है आइज क्लोज कर लो। ये हो गई है इनकी आईज क्लोज। और मैं नेक्स्ट राउंड के लिए आगे के। अब देखिए दोस्तों अब इनका नेक्स्ट चैलेंज है साउंड। साउंड का। साउंड के लिए मैंने ये तीन चीजें इकट्ठी कर दी हैं। आप बताते हैं ये साउंड बता पाते हैं या नहीं। एग्जैक्ट साउंड बताना है। ठीक है चलो 1, 2, 3 ठीक है।
करना एक बार, तीसरी बार, बस तीन बार ही सामने। आखिरी बार आ रहा था कान के पास लाके। मैंने किसी के कान के पास नहीं करा, दूर ही करे दोनों के। वन टू, सोचने तो दो, सोचने दो। इतनी देर कहाँ लगती है साउंड सोचने में, वो तो एग्जैक्ट पता चल जाता है। वन नहीं, प्लीज नहीं, वन टू एंड थ्री। माचिस तेरी, मेरी क्या करूँगा, इसका हार गया। नेक्स्ट ये दाल, अभी क्या बताया, सॉरी तेरी गलती। वन टू एंड थ्री। ये डब्बे में जो आवाज है, छोटे से डब्बे में, छोटे वाले डब्बे में, छोटे वाला डब्बा होता है इतना, हाँ। उसमें कुछ लाया है। ये क्या बात है, डब्बे की जो बता दी, साउंड बतानी है। हाँ तेरा साउंड, डब्बे की जो बता दी मम्मी। मेरा है चाय पत्ती। नेक्स्ट डब्बे की नहीं बताऊंगी, क्या बता रहा है क्या। और ये वो है, ये पता लग गई। नहीं नहीं दोबारा दोबारा प्लीज, ये पता लग गई। ठीक है, वन टू एंड थ्री। ये वो है, अरे क्या बनाते उसमें, अरे जो ऐसे ऐसे बंद करते हैं क्या, तो दिवाली में बनाते हैं गुजिया। हाँ गुजिया की वो है, ये ऐसे ऐसे करते जो। अब आके खोलो मेरा। ठीक है माचिस, बस इसका लगा गया मेरा, ये तो ठीक ही है। मैं इसके तीनों ठीक, इसने माचिस बोला, मेरा ये तो ठीक है, इसने माचिस नहीं बोला, इसके दो ठीक है। ये दाल है, नहीं वो कोई मैटर नहीं करता, दाल छोटा, जिसने छोटा डब्बे में पहले साउंड क्रिएट करके बता। मेरे सिक्स, आप दो ईशु के, मतलब फोर और टू सिक्स, और आशिका सिक्स, फाइव और वन सिक्स, मतलब दोनों के बीच में हो गया है टाई। अब हमारा रह गया है दो राउंड रह गए, टच का और आपका मेमोरी टेस्ट। चलो भाई देखते हैं, चलो आईज क्लोज कर लो। चिकू ध्यान से, स्किन का बिल्कुल ध्यान से, नहीं स्किन का बिल्कुल ध्यान से। ये चीटिंग थी, ये छोटा डब्बा हमें पता है एग्जैक्ट बता रहा है, ये तो पता है कि डब्बा। अब वहां डब्बा है यार, ये क्या मम्मी, सबको पता है डब्बा। तो इसने पहले दाल भी तो बोला था, है क्या इसमें, कौन सी दाल है, मेथी है, कोई नहीं मेथी, दाल कंसीडर कर लो, नहीं कोई नहीं। और मैंने पूछा कितनी है, यही क्या तुम्हें, इसको ये कौन सी बात हुई, यार। अब दोस्तों इनका राउंड नंबर कौन सा चालू है, फोर, फोर। राउंड नंबर फोर में इनका है, मतलब इनको टच टच पहचानना है, ठीक है। अपना अपना हाथ जो है वो सीधा करके टेबल पे रख लो, सीधा करके, ओके ठीक है। एक इधर, एक इधर, ठीक है। इस हाथ पे टच करवाऊंगी मैं बस, हाँ जोन से हाथ पे टच करना है वो रख लो, एक एक दे दो, ठीक है। हाँ। दोनों हाथ से कर सकते टच तो, नहीं टच, ओके तो नहीं 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 ऐसे नहीं, मैं करवा रही हूँ तुझे फील, फील करवा दिया मैंने, दोबारा करना तो बोलो, उंगली पे, नहीं नहीं उंगली पे दोबारा करना है, आशी कराओ, नहीं नहीं इतनी बार थोड़ी करना है, एक बार, नहीं नहीं इस उंगली मेरे कान में, इतनी बार नहीं करना, इस उंगली मेरे कान में करती है, लिखता हूं मैं इससे। ये कौन सी बात हुई, कौन सी उंगली पे करवाओ, इस पे हट जा दो बस, अब नहीं, ठीक है। वन टू एंड थ्री, ब्रश, चलो भाई नेक्स्ट हाथ करो। अब ब्रश में पूरा बताना था कौन सा है, बताइए ब्रश पेंटिंग वाली कौन सी वाली करो। वन टू एंड थ्री, कंगा, चलो वन दोबारा करना, नहीं हुआ।
ठीक है शायद वो है। हाँ ये वो है। वन टू एंड थ्री। कपड़े धोने वाली ब्रश ऐसे ऐसे। चलो भाई इस तीनों पर इशू नहीं है। ब्रश मेंशन नहीं करी, शेविंग ब्रश है या पेंट ब्रश है। तो इशू के 2 पॉइंट और आशी के 3 पॉइंट। 9 एंड 8। 9 और 8। चलो भैया देखते हैं नेक्स्ट राउंड में क्या करते हैं। नेक्स्ट राउंड तो आँखों का ही है, तो आप अपनी पट्टियाँ हटा सकते हो। अब आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए आइस के लिए लेके आती हूँ। ठीक है तैयार हो? अब तक आशी एक पॉइंट आगे है। अगर इशू ने, ये फाइनल राउंड है, इसके 2 पॉइंट मिलेंगे। दो किस चीज़ के? एक है। क्योंकि ये एक ही राउंड है, इसके 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर आशी जीत गई तो आशी 2 मार्क्स से आगे, और अगर इशू जीत गया तो इशू 1 मार्क्स से आगे। मतलब जो आइज वाला जीत गया उसको मिलेंगे हम 2 पॉइंट देंगे, क्योंकि वो राउंड एक ही है। इसीलिए 2 पॉइंट देंगे। इसीलिए इशू कैसे जीत जाएगा? तुझे अपनी मेमोरी पे यकीन नहीं है क्यों? तुझे याद नहीं होती चीजें? हो फिर कैसे करेगी? ब्रेन से। फिर ब्रेन का ही तो टेस्ट है। रट्टा क्या है? जो मैंने चीज याद कर ली वो ये भी तो याद कर सकती है। हाँ, लाओ, लाओ, लाओ। 10 चीज अभी मैं लेके आती हूँ। मैं बड़े रट्टे मारता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इनकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए कुछ वर्ड रखे हैं। ये मैं इनको सिर्फ 20 सेकंड के लिए ही दिखाऊंगी। 20 सेकंड के लिए मैं इनको ये दिखाऊंगी, और 20 सेकंड में जो ये रिमाइंड कर सके वो रिमाइंड करेंगे, और फिर इनको एक एक करके ये वर्ड बताने पड़ेंगे। सीरियल वाइज नहीं, कोई से भी वर्ड कहीं पर भी ये बच्चे बता सकते हैं। हाँ जी भाई, कितनी देर चाहिए तुम्हें वर्ड्स पढ़ने के लिए? 1 मिनट। नहीं, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। 45 सेकेंड्स। मतलब टोटल ये 27 वर्ड है, तो 30 सेकेंड। चलो ठीक है, 1 मिनट पर सेकेंड। ठीक है, वन वर्ड पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं तुम्हें वर्ड दिखाऊंगी, पूरी पूरी शीट दे दूंगी, अब तुम लोग उसमें से देख लेना और फिर तुम्हें बता देना है। और बोलना नहीं है, तेज तेज नहीं रीड करने हैं, आराम आराम से रीड करने हैं। और फिर चलो देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैंने इनके सामने ये शीट जो है वो मैंने रख दी है। टाइम स्टार्ट हो गया, शुरू। 5 सेकेंड्स। रेड। हो गया पूरा का पूरा टाइम। अब जैसे जैसे ये वर्ड बताते रहेंगे वैसे वैसे मैं इन पे कट लगाती रहूंगी। टमाटो। इशू। टमाटो। टिक। अनियन। टिक। मैं भी यहाँ रख लूँ? हाँ। फिर तुम लोग चीटिंग करोगे तो? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चीटिंग करी वो आउट। चीटिंग नहीं करनी है भाई। अब ये बच्चे बोल रहे हैं कि मैं इनको यहाँ रख लेती हूँ। चलो यहाँ रख लेते हैं। चलो टमाटो और अनियन हो गए ना? हाँ, टमाटो अनियन हो गए। नेक्स्ट ऑयल। हाँ एक मिनट, आशी इशू का ऑयल। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। जिंजर। पैंट। हेयर पैंट। एक मिनट पैंट, रुक जाओ, हेयर बैंड काटने दो। सूटकेस। रेड। एक मिनट, सूटकेस रेड। अब ये इतने वर्ड हो चुके हैं, अब इन्हें धीरे धीरे करके बताओ भाई। वाटर। 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 वाटर एंड पेन। नाउ नेक्स्ट।
वो बास्केट है या फिर तो बकेट है? नहीं नहीं नहीं, एक वर्ड बोलना है। क्या? बास्केट। बास्केट देखिए दोस्तों, तो है और बी ए बी है। रैकेट। बास्केट भाई, बास्केट नहीं है। तो ईशु को, आशी को एक पॉइंट मिल गया है। चीटिंग है यार ये। और कल आशी ने सही वर्ड बता दिया, रैकेट। चीटिंग करते हो। तीन तीन पॉइंट जिसके पास हो गए वो विनर। क्या यार, रैकेट था ना वो, तो मेरी वाली कर्टेन। कर्टेन, रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कर्टेन। नाउ नेक्स्ट इशू, सोचो सोचो। पता ही नहीं। हाँ तो कुछ भी, आपको कुछ तो ध्यान होगा, मैं तो डेली यूज की चीज रखी है। बताओ जल्दी, कुछ तो गैस कर। टॉय। टॉय गलत है, नहीं है। टॉय कहीं नहीं है भैया। अब बोल तू, बोल। शेट। टू पॉइंट्स, जल्दी गैस करो। पॉलिश। पॉलिश, पॉलिश है भाई। हेयर। हेयर। हेयर भी है। हाँ जी भाई। अब जीतने के लिए है। नहीं नहीं जल्दी करो भाई, 30 सेकंड हो गए। जल्दी, 30 सेकंड, 30 सेकंड तो दिए थे मैंने तुम्हें देखने के लिए। जल्दी बोल। नहीं कोई तो तुक्का मारो, जल्दी करो बेटा प्लीज। पेंटिंग। पेंटिंग। पेंटिंग नहीं है, बल्ब। और विनर हो गई है, विनर हो गई है आशी। आशी को इस राउंड के 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, तो आशी के हो गए हैं 1। मैं ये तो 3 राउंड्स का 2। 11 एंड 8। 11 एंड 8। अब क्या क्या क्या, देखो देखो क्या क्या रह गए। गंगा, प्लेट, ग्लास। गंगा डेली यूज। गंगा क्या है? तो क्या हो गया तू? मेरे को पता था, पर मैं सोचा मेरे को बल पता था। तो डेली यूज के बॉल है, स्टार है, कॉपी है, मैंने बता दिया, मैंने प्लेट है। अब ये पता नहीं राइटिंग कैसी है, ये रैकेट लिख रखा है। ओ अगली बार ना तू लिखना, ठीक है? तो चलो पनिशमेंट, पनिशमेंट, पनिशमेंट। मेरे को नहीं आना था। पनिशमेंट के लिए देखते हैं आशी क्या लेके आएगी। चलो भाई रुक गया इशू, डर लग रहा है पनिशमेंट के लिए? डर नहीं लग रहा, बस हार गया। हार गया, बुरा हो गया। हो या तो तू इसको कुछ की चीज खिला सकती है, या इससे कुछ करवा सकती है। इसे कुछ करवा भी सकती है तू? क्या कर, क्या पनिशमेंट सोची है? 25 पुलअप्स। पुलअप्स, पुलअप्स मतलब ये इसको यहाँ पर पुलअप्स करने होंगे, या फिर 10 पुलअप्स और 10 पुशअप्स। हाँ ये ठीक है। क्या करेगा? 10 पुलअप्स और 10 पुशअप्स। चल शुरू हो जा। 10 पुलअप्स लगातार नहीं हो पाएंगे वैसे। तो क्या करेगा? एक पुलअप और एक पुशअप। हाँ ऐसे ठीक है। नहीं। हाँ। 5 5 कर दो। नहीं। एक हाँ 5 5 ठीक है। चल एक पुशअप। 5 5 5 5। नहीं मेरे पुशअप्स है। 10 10 मतलब 10 करने टोटल। 10 पुलअप्स 10 पुशअप पहले एक ये। चलो कर भाई पुलअप। ऐसे पुलअप्स फिर ऐसे पुशअप्स। हाँ ठीक है। 1 2 3 4 5 6
सेवन थक गया, एट नाइन चलो भाई आखिरी 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 पुशअप 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 आखिरी पुशअप। वाह जी वाह, कैसा लगा इशू मैनेजमेंट मिल के? मतलब आज तूने क्या सीखा, तेरा क्या वीक है? कुछ नहीं। तेरा ब्रेन, तेरा तेरा तू सोच से पढ़ता नहीं है, तुझे याद कब चीजें रहती हैं? मैंने यही यही लाइन याद करी थी। अच्छा तो याद ही करो, पढ़ लिया सारे बस। मैंने भी रट कर रहे थे बस। ओ रू रट कर रहे थे। 30 seconds में कौन रट सकता है? मैंने भी रट कर रहे थे। मैंने सिर्फ मेरे को ये लाइन वाली। और आशी को डर था कि इस गेम में आशी हार जाएगी क्योंकि ये रट्टूबाज है। मैं रट्टा नहीं मारा आज तक। आज तक रट्टा नहीं मार दू। ओए होए आशी कैसा लगा भाई जीत के? मैं तो हमेशा ही जीत हमेशा ही जीतती है और ये बंदर हमेशा ही हारता है, इसको हमेशा ही क्यों पनिशमेंट मिलती है? चल गधा। फिर क्या, अब लगा आप जीतो, अब लगा उसे। तो अगली बार मेरा और आशी का ही करेंगे हम। हाँ, क्योंकि ये आ रहा है। तो कल हम मैं और आशी का करेंगे। हाँ, कल मैं और मम्मी करेंगे सेंसेस चैलेंज और ये रखेगा सारा सामान। मैं देखो कितना ऑर्डर करूंगा। हड़हड़ रखेगा। एटलीस्ट 10 likes तो बनते ही हैं इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और पूरी देखें। अब इसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है, आज हम नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं वो शायद हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आगे जो भी वीडियो में काम है वो मैं करूँगी। और अब ये बच्चे अब अपनी पढ़ाई, इनकी फिर से क्लासेस शुरू हो रही हैं। मॉर्निंग की क्लासेस हो चुकी हैं, अब इवनिंग में इनकी बाकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अब ये पढ़ने बैठेंगे। इनका गेम जो था वो आज के लिए बस इतना ही था और फिर अब कल देखते हैं मेरे और आशी में कौन जीतता। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि आज बच्चों ने एक गेम करा था, मैंने ही बच्चों का गेम कर रहा था। अब बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बिज़ी हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, फ्री बैठे बैठे क्या करूँगी। तो मैंने सोचा एक सलवार आई हुई है उसी की स्टिचिंग कर देती हूँ आपको, कटिंग और उसके स्टिचिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। कटिंग करने के लिए मैंने पहले ही सारा का सारा मटेरियल ले लें। आप मेज़रमेंट ले लें कि कितने के आपको तख्ते काटने, कितने की आपको बेल्ट काटनी है। बेल्ट आपकी अकॉर्डिंग होती है कि हिप साइज़ कितना होता है, उससे आप 5-6 inches ज़्यादा ले लें तो वो आपका बेल्ट का मेज़रमेंट हो जाएगा। बेल्ट आप लंबाई में मतलब ऊंचाई में, विड्थ में तो आप कितनी भी ले लें, लेंथ में आप ये सोच लें कि जितनी आप कम लेंगे उतने ज़्यादा आपके जो सलवार के जो फ्लेयर्स हैं वो उतने ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे सलवार की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें कि मैं इसके पहुँचे और इसकी बेल्ट जो है वो कैसे डालती हूँ। बेल्ट के मेज़रमेंट जो होती है ना वो सलवार की सबसे ज़रूरी होती है। मेरी एक फ्रेंड जो मैंने अभी आपको दस वीडियो पहले शायद हम जब गांव गए हुए थे उसका जो व्लॉग मैंने आपको डाला था, उस व्लॉग में जिस फ्रेंड से मैंने आपको मिलवाया था वो एक्चुअल में क्या करती है कि वो अपने ही अकॉर्डिंग जितना कपड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग बेल्ट तैयार कर लेती है, बेल्ट सिल लेती है और बेल्ट को रख देती है और सलवार को उसी के अकॉर्डिंग सलवार को फोल्ड कर देती है, जितने उसको फ्लेयर अच्छे लगते हैं उतने फ्लेयर डाल देती है और फिर उसको नाप लेती है और उसके अकॉर्डिंग वो बेल्ट काटती है। मतलब वो इतने साल हो गए उसको सलवार सिलनी अब तक नहीं आई है। हम सबको थोड़ी बहुत तो स्टिचिंग आनी ही चाहिए क्योंकि आज के टाइम में जितना महंगा कपड़ा नहीं होता उतनी उससे ज़्यादा महंगी स्टिचिंग होती है।
कि कपड़ा तो आपकी मर्ज़ी है ना, आपको 50 रुपीज़ मीटर, 60 रुपीज़ मीटर, या मैंने तो 20 रुपीज़ मीटर भी कपड़ा ख़रीद रखा है, तो कितने में ये मीटर रुपीज़ कपड़ा आप अपने जेब के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। पर अगर आपको स्टिचिंग आती है ना, तो आप कभी भी किसी के ऊपर ना डिपेंड नहीं होते हुए, तो आपको स्टिचिंग, मुझे लगता है कि आपको स्टिचिंग ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपको स्टिचिंग सीखना अच्छा लगता है, नए नए डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग ही वीडियो शेयर करूँगी। क्योंकि ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है मेरा कि स्टिचिंग, क्योंकि स्टिचिंग के ना यूट्यूब पे ना बहुत सारे चैनल्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि स्टिचिंग का अगर मैं कोई नया चैनल बनाऊँ तो वो शायद चलेगा या नहीं चलेगा। अब वीडियो जो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या मैं स्टिचिंग की वीडियो डालूं या मैं स्टिचिंग की वीडियो नहीं डालूं। आज तो मैं डेली ऐसे ही डाल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये भी शेयर करके देखते हैं, नई चीज़ करके देखते हैं, क्या पता रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए, तो इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप देखें कि मैंने क्या क्या किया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सलवार का फैब्रिक है, मैंने इसको विड्थ वाइज 4 फोल्ड कर दिए हैं। देखिए 1, 1, 2 और 2। ये अब मैं क्या करूँगी, मैंने मेज़रमेंट ले लिया है, यहाँ से मैंने निशान लगा दिए हैं। ये मैंने निशान लगाया 31 इंचेस का, क्योंकि हमारे टोटल जो सलवार की लेंथ है वो है 35, और 7.5 इंच का मैंने बेल्ट पे लगाया है। 2 इंच ये मुड़ जाएगा, बच जाएगा, ये बच जाएगा 5 इंच, और 31 ये है तो ये रह जाएगा 30, तो 30 और 5 रह गया 35। अब मैं यहाँ से इनको अलग अलग कट कर दूँगी। ये देखिए दोस्तों, अब ये मैंने जो है ये कट कर दिया है। अब मुझे मेरी बेल्ट की लंबाई चाहिए 48 इंचेस, और हमारे पास ये कितनी है 11.5 multiply 4, कितना हो गया 11 4 = 44, एंड हाफ ऑफ ये हो गए हमारे पास 46 इंचेस। 46 इंचेस की ये हमारे पास हो चुकी है, और जो थोड़ा सा जोड़ है वो इसमें से मैं निकालूँगी। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने पार्ट का कपड़ा निकाला था, ये अब मैंने इस तरफ से फोल्ड कर दिया है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, 7.5 इंच जो है वो मैं यहाँ से भी बेल्ट की जोड़ के लिए निकाल दूँगी। तो इससे क्या होगा, ना तो हमारे पार्ट चौड़े रहेंगे, क्योंकि इसके जो पार्ट है वो ज़्यादा चौड़े पोंचे बनेंगे, और वो जो अच्छा जो लुक आता है ना, वो अच्छा लुक नहीं आएगा। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने कली निकालनी है। कली के लिए मैंने क्या किया है, पार्ट के लिए मैंने कपड़े को, फैब्रिक को 4 फोल्ड किया था, अब मैंने इसको 2 फोल्ड किया है, मतलब सिंगल ही एक बार फोल्ड किया है। अब मैंने क्या किया है, दोनों तरफ से, इस तरफ से पहले मैंने 30 मार्क कर दिया, 30 के ऊपर मैंने 11 इंच ले लिया। अब सेम इस तरफ से, अगर मैंने यहाँ से 30 पहले लिया है तो उधर से मैं 11 पहले लेके मैंने, ये देखिए दोस्तों, ये मार्क कर दिया है, और 30 मैंने बाद में ले लिया है। अब ये जो दोनों मार्क्स हैं, इनको मैंने ऐसे और इसको मैंने डायगनल ज्वाइन करके अब मैंने ये कट कर दिया है, तो 2 कली ये हमारे पास ये हो गई, और 2 कली हमारे पास ये हो गई हैं। इससे क्या होगा, इससे फ्लेयर्स जो हैं वो अच्छी आएंगी। अगर मैं 4 फोल्ड करके कलियाँ निकालती तो फ्लेयर्स जो हैं वो कैसे भी नहीं आते, तो इससे हमारे जो फ्लेयर्स हैं वो अच्छे आएंगे। तो आप सलवार को ऐसे ही कट करें। अब सिलाई कैसे करनी है वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ, तो आप मेरी वीडियो पर बने रहें। देखिए दोस्तों, मैंने अपनी सलवार जो कट जो कर ली थी, अब मैं उसको सिलने बैठूँगी। तो सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी मशीन, तो मैं देखती हूँ ये क्या है, ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसका हम कुछ और बनाएंगे, देखते हैं
काफ़ी कॉटन के फैब्रिक ना मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो ये है हमारी कली, ये कली सबसे पहले करेंगे हम कलियों को जॉइन, ठीक है। तो ये हम करते हैं अपनी कलियों को जॉइंट। ये हमारी कली और हमारी दो कलिए अब मैं इसको अच्छी से ज्वाइन कर देती हूँ। सबसे पहले कलियों को ज्वाइन कर लें, इनके आसनों को आपस में मिला लें। अब मैं क्या करूँगी, एक मशीन ऐसे मारने के बाद ये इनको ऐसे खोल लूँगी और फिर मशीन जो है एक बार और मार दूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ऐसे करके सीन पे एक मशीन फिर मैं मार रही हूँ। ये हमारी जो मशीन है वो लग चुकी है। ये हमारे पार्ट और ये है हमारा पोंचों का जोड़ और ये है हमारा बेल्ट का जोड़। तो मैं क्या करूँगी, ये जो पूरी जो बेल्ट थी इसमें मैं ये जो जॉइंट है ये अटैच कर दूँगी। मैंने अटैच कर दिया, सेम वही खोल के ये खोल लिया मैंने कपड़ा और खोल के फिर सिलाई जो है वो मार। ये लग गई हमारी सिलाई। जो मैंने कलियाँ जॉइंट कर दी थी उनका अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, उनको मैं साइड में रख रही हूँ। और ये जो बेल्ट का पोर्शन था वो मैंने ले लिया है। अब मैं लूँगी ये हमारी बुकरम, मुझे जितनी चाहिए उतनी मैं मतलब 16 इंच की लूँगी दोनों पैरों की। ये हो गए हमारे 16 और ये हो गया है 16 का डबल। ये मैंने ले ली, ये तो मुझे ऐसी लग रही है जैसे ना ये जो बुकरम है ना इसकी वेड़ जो है छोटी हो। फिर मैं क्या करूँ, इसमें कुछ तो मुझे जॉइंट करना पड़ेगा, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा जॉइंट करूँगी अभी। ये 16 इंच की मैंने
एक और कट कर ली और मैं इसको हाफ कर दूंगी। ये हमारी हाफ हो गई है, मैं हाफ इसमें और हाफ दूसरे पोछे में जॉइंट कर दूंगी। ये हो गया, मैं सबसे पहले एक जॉइंट करूंगी, ये रखा और ये रखा, मशीन जो है वो मार दी। अब ये मुझे जॉइंट करना है तो इसीलिए मुझे ज़्यादा कपड़ा लेना होगा। दोस्तों मैं आपको सही से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, देखो बच्चे ऑनलाइन क्लास चल रही है, फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो अगर आपको कुछ समझना है, कुछ मेरी वीडियो में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर थोड़ी सी तो हेल्प कर ही सकते हो यार, प्लीज़। क्या हो गई मेरा केक, देखो ये हो गया मेरा एक पोंछे का तैयार। अब मैं सेम दूसरे पोंछे का भी तैयार कर लूँगी। सेम ये रखा मैंने जॉइंट, अब मैं इसको मेरा थ्रेड जो है वो निकल गया है, थ्रेड लगा दिया है। मैं इसको जोड़ देती हूँ, ये देखिए दोस्तों मेरी जुड़ गई। मैं ये जो जोड़ था ना, इसमें भी एक सिलाई लगा देती हूँ ताकि ये हमारा जोड़ है वो अपनी जगह से ना हिले, क्योंकि अगर ये हिल गया ना तो वह दिक्कत होगी, तो इसलिए तो ना हिले। मैंने देखो दो सिलाई, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगा दी मैंने। अब मैं इसको कर लेती हूँ कट, ये हमारे पोंछों के लिए तैयार है। हो गए तैयार, मुझे तैयार हो चुके हैं, देखो दोस्तों जो बेल्ट है वो जो इतनी जॉइंट लगने तैयार हो गई थी उसको मैं कर देती हूँ क्लोज। ये डबल सिलाई लगा दी मैंने, अब मैं इसको क्या करूँगी, ये जो है ये जो हमने इतना ओपन छोड़ दिया ताकि हम, कुछ लोग इनको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं
अरे यहाँ पर तो इसको मोरी के लिए वो जो छोड़ देना चिड़िया उसको वो बोलते हैं इसको, आप लोग क्या क्या बोलते हो ये मुझे ज़रूर बताना। ठीक है तो मैं इसको क्या करूँगी, इस पर सिलाई लगा दूँगी और ये दूसरी तरह जो है किनारी आएगी है तो इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसका साथ करता था कट कर देखो दोस्त, ये हो गई है हमारी सिलाई लगने के बाद इस तरीके से तैयार। मैं क्या करूँगी अब ये जो ये इसको ऐसे करके इसको ऐसे मोड़ूंगी और थोड़ा थोड़ा दबाते हुए मैं पूरा जो है वो सर्कल जो है वो कंप्लीट कर दूंगी। अब यहाँ से क्या होगा नाड़ा जो है हमारा वो आराम से निकल जाएगा। ये मेरे बच्चे पीछे क्लास लेते लेते भी बोल रहे, आशी की क्लास चल रही है और वो बंदर जो हमेशा हार जाता है वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट कर रहा है। अब पता नहीं वो बंदर करता क्या है कैसे करता है पर बस कर देता है, पर है वो एक नंबर का बंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाँ आइसोसेलेस ट्रेपेज़ियम क्या होता है अब उसको कोई आइसोसेलेस ट्रेपेज़ियम बताओ, आपको पता है आइसोसेलेस ट्रेपेज़ियम क्या होता है इशू क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपेज़ियम? अगर उसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेज़ियम होता है। हाँ और वैसे इस रेगुलर ट्रेपेज़ियम क्या होता है जिसकी जो रेगुलर ट्रेपेज़ियम वो होता है जिसकी मतलब एक एक साइड पैरेलल हो और एक दो साइड पैरेलल हो और दो साइड नॉन पैरेलल हो। अच्छा और अगर जिसके चारों साइड पैरेलल है वो क्या है? वो स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है और ये भी पता है पैरेललोग्राम हो सकता है रोम्बस हो सकता है। ये हमारे घर का बंदर है कॉमरेड कॉमरेड ये देखिए दोस्तों ये हमारी जो बेल्ट है वो बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए ये क्या था नहीं ऐसे चौंच आगे करके इसको इसको लगा कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ। दोस्तों मैंने जो है पोंचो की जो बुकरम है वो मैंने मेरे पार्ट पे अटैच कर दी है, ये देखो इस तरीके से मैंने अटैच कर दी है। अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई मार दूँगी, बीच बीच में ना बुकरम जो इसी लें तो बीच बीच में कुछ खाते या पीते रहना चाहिए। मैंने कुछ खाने का भी रखा हुआ है और कुछ एक बोतल मैंने पानी की भी बोतल रखी हुई है। मेरा बंदर मेरी मिठाई खा गया इनको वैसे कुछ नहीं खाना होता है जब मम्मी खाती है कुछ चाहिए। ये हो गया अभी हमारा दूसरे का भी मैं सिलाई जो है वो मार दूंगी। हाँ सिखा रहे हैं हमें 7 यही पढ़ते हैं।
ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है वो मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखिए दोस्तों, मैंने आगे और पीछे दोनों तरफ से दो दो सिलाई लगा ली है। मैं बिल्कुल पोचो हुआ डिज़ाइन इसमें बना दूंगी। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। और फिर ऊपर बेल्ट कैसे डालनी है वो मैं आपको दिखा दूंगी। ये देखिए दोस्तों, हमारे पोंछे जो हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। मैं आपको इनका डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पोंछे जो हैं वो बनके अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको पार्टों को कलियों के साथ जोड़ दूंगी। अब ये जो कलियाँ जो मैंने पहले ही आसन जोड़ के रख रखी थी, अब मैं ये कलियाँ इन पार्टों के साथ जॉइंट करनी शुरू कर दूंगी। हमारी बेल्ट जो है वो बनके तैयार हो चुकी है पहले ही, और अब मैं ये कलियाँ जो हैं वो पार्टों के साथ जोड़ के पूरी सलवार का जो है वो घेर तैयार कर दूंगी। अब ये हमारी एक कली जुड़ चुकी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पूरी सलवार जो है वो जुड़ चुकी है। अब मैं नीचे से पोंछों की मेज़रमेंट लेके, जितने हमें पोंछे तैयार चाहिए उसकी मेज़रमेंट लेके, मैं पूरी की पूरी नीचे की जो है ना वो सिलाई वो मार दूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये आ गई, तैयार हो गए। हाँ अनु करी कौन आंधी, ये गई भाई। अब मेरी सलवार में बस ऊपर से बेल्ट डलनी रह रही है और बाकी सारी की सारी सिल चुकी है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ये जो मेरी बेल्ट थी उसके मैंने 4 फोल्ड कर दिए हैं। ये जो यहाँ पर ये जो मक्खी थी वो यहाँ पर बनी हुई है, इसको 4 फोल्ड मैंने कर दिए हैं और मैं चारों पे मार्किंग कर दूंगी। निशान लगा लिए हैं, और जो ये पीछे का जो निशान है वो हम इसको ऐसे बीच में रखेंगे, और थोड़ा सा जो स्पेस है वो हम छोड़ते हुए, क्योंकि एक प्लेट इस तरफ डलेगी और एक प्लेट इस तरफ डलेगी, और हम यहाँ से जहाँ से हमारा ये निशान आया है वहाँ से हम सीधी सिलाई लगा देंगे। ये हमारी बिल्कुल सीधी सिलाई, और फिर एक प्लेट हम डाल देंगे, और ये आ गया हमारा निशान के बीच में, और एक प्लेट हम डाल देंगे इस तरह। और जो निशान है हमारा थर्ड निशान, वहाँ पर हम इसको सीधी मशीन को मारेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये हमारी प्लेट्स जो हैं वो कितनी सुंदर डल के तैयार हो गई हैं। अब हमारी सलवार जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। ऐसी सलवार अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे कि आपने देखा कि हमारी सलवार जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब हमारी जो ये मेरा स्टिचिंग का काम था वो बस पूरा हो चुका है। अब देखते हैं, अब शाम के खाने वाने की तैयारी करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए जिन्होंने भी वीडियो मेरी पूरी देखी है उनको पूरे दिल से थैंक यू। और आप मतलब मेरे लिए, अगर अपना टाइम मेरे लिए निकाल रहे हैं तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। सो प्लीज़ अगली वीडियो तक आने के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। इन सब के लिए थैंक यू।